नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के बजट को समझने के लिए आज ये दूसरा एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे पर्यटन, कला और संस्कृति के क्षेत्र में इस बजट में क्या नया। तो राजस्थान में पर्यटन की सुविधाएं विकसित करने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए और देश विदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, राजस्थान की ब्रांडिंग करने के लिए पर्यटन विकास कोष की स्थापना की गई थी। ये पर्यटन विकास कोष 1,000 करोड़ रुपए का था, इस बजट में बढ़ाकर इसको 1,500 करोड़ रुपए का कर दिया गया। आप सबको पता है कि राजस्थान वेरियस एग्जीबिशंस के लिए, कॉन्फ्रेंसेज के लिए, वेडिंग्स के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एक उभरता हुआ डेस्टिनेशन है। और राजस्थान में भी विशेष रूप से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर वेरियस प्रकार की मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेज के लिए और एग्जीबिशंस के लिए और साथ में वेडिंग्स के लिए बड़े डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहे हैं। इसलिए यहाँ माइस मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे। रईस लोगों में एक लोकप्रिय खेल है गोल्फ। हमारे राज्य में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स डेवलप किए जाएंगे, जिनमें माउंट आबू, जोधपुर और उदयपुर, इनका उल्लेख बजट में किया गया है। बाकी 2 और पर्यटन स्थल कौन से होंगे ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। इस बजट में कहा गया है कि हम आमेर को आइकॉनिक सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। आप इंटरनेट पर इस बात का अवश्य पता करना कि एक आइकॉनिक सिटी में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं और आमेर में कौन कौन सी सुविधाओं के विकास पर बल दिया जाएगा। हमारे राज्य में अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेचर वॉक ट्रेल्स डेवलप किए जाएंगे, डेजर्ट सफारी ट्रेल्स डेवलप किए जाएंगे, ट्रैकिंग रूट्स डेवलप किए जाएंगे और फूड ट्रेल्स डेवलप किए जाएंगे। प्रत्येक संभाग में इन ट्रेल्स की संख्या 2-2 होगी। बजट में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि साकंबरी लोहारगल और रणकपुर भीलबेरी, यहाँ एक विशेष प्रकार के ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। राजस्थान राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको एडवेंचर टूरिज्म साइट्स डेवलप किए जाएंगे। ये नेवता और कानोता जो बांध है जयपुर में, बांध बारेठा भरतपुर में, कायलाना व सूरपुरा जोधपुर में, हेमावास पाली में और कोट झुंझुनू में, इन स्थलों को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस बजट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि प्राचीन विरासतों का जीर्णोद्धार जरूरी है और ये कहा गया है कि मोती महल और अमर महल जो खेतड़ी में है और खेतड़ी हाउस जो जयपुर में है, इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ में और भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, हमारी प्राचीन विरासतें हैं, जिनके जीर्णोद्धार पर बल दिया जाएगा। इस बजट में ये भी उल्लेख है कि खासा कोठी जयपुर का डेवलपमेंट स्टार होटल कम स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में किया जाएगा। हमारे राजस्थान में जो भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं उनसे संबद्ध बहुत सारे पैनोरमा विकसित किए गए हैं। इस बजट में भी कुछ पैनोरमा विकसित करने की बात कही गई है। कहा गया है कि चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप का पैनोरमा विकसित किया जाएगा, सेतरावा जोधपुर में देवराज जी का पैनोरमा बनाया जाएगा, बेसुरी पाली में बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा बनाया जाएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में रामस्नेही संप्रदाय के संतों का, जालीपा बाड़मेर में संत ईसरदास का, बूंदी में गुंडाजी मीणा का, डीग भरतपुर में महाराज सूरजमल का और मचाड़ी अलवर में राजा हेमू का पैनोरमा विकसित किया जाएगा। इस बजट में इस बात का भी उल्लेख है कि राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का पुनरारंभ किया जाएगा। इस फेस्टिवल से साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लालस और विजय दान देथा के नाम से कुछ नए पुरस्कार शुरू किए जाएंगे ताकि हमारे राज्य में साहित्यिक एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। जो साहित्यकार हैं उनको पुरस्कृत करके उनका मनोबल बढ़ाया जा सके, उनको प्रेरित किया जा सके। फोटोग्राफरों, रंगकर्मियों और शिल्पियों के लिए हर 2 साल में जयपुर में जयपुर कला समागम का आयोजन किया जाएगा। साथ में एक नया लोक कलाकार कल्याण कोष गठित किया गया है 100 करोड़ रुपए का। इस कोष के माध्यम से लोक कलाकारों को 100 दिवस का एक तरह से रोजगार दिया जाएगा। जो भी राजकीय कार्यक्रम है, चाहे पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार है, उस संबंध में 100 दिन उनको प्रति परिवार रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा
और उनको उपकरणों की खरीद हेतु 5,000 रुपए की राशि एकमुश्त दी जाएगी। तो दोस्तों यही कुछ नया है इस बजट में जो पर्यटन कला और संस्कृति को समर्पित है। बजट को थोड़ा सा टुकड़ों में पढ़ने से आपके मस्तिष्क में बजट के प्रति जिज्ञासा बनी रहेगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।